बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू बाबा। एडो फोटोशॉप CS6 के 8वीं क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बंदा बता रहा था कि आजकल औरतों को भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि उन्होंने 5 साल तक या 10 साल तक शादी वगैरह नहीं करनी है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें तभी हम आपको जॉब देंगे। तो वो 5 साल 10 साल तक बिल्कुल बॉन्ड हो जाती है वो लड़की अगर वो जॉब करना चाहती है, और बहुत सी मजबूर होती हैं, बहुत से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देते हैं। तो ऐसे ये जॉब है करने से अच्छा आप जो है घर में कोई ना कोई एक स्किल सीख लें, फोटोशॉप है या कोई ऐसा कोई एक काम सीख लें, लोगो डिज़ाइन हो गया। और बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जो आपको घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग दे सकती हैं, आपको कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन क्या है कि पहले आप काम को अच्छे तरीके से सीखें, 5-6 महीने उस काम पर लगाएं। घर में आप अगर 5-6 महीने उस काम को दे देंगे उसके बाद जब आप शुरू करेंगे काम तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगा और आप काम करके क्लाइंट को अच्छे तरीके से दे भी सकते हैं। वरना FiveRR जैसे कि वेबसाइट है, इस साइट पर अगर आपको एक दफ़ा रेटिंग ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल से फिर आपको अगला कोई जो है ऑर्डर मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप अपने आप को पहले स्किल मजबूत करें और कोई भी जो भी का आप काम सीखते हैं उसको अच्छे तरीके से सीखें और फिर आप काम की तरफ ध्यान दे के काम करना है, पहले काम को सीखें। चलिए जी, आज 8वीं क्लास है हमारे एडोब फोटोशॉप CS6 की। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली क्लास आपने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो आप वो देखते आएँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा हमारा स्टेप बाय स्टेप ये समझ में आता जाए। आज हमारा टूल है स्लाइस टूल। पिछले टूल हमने सीखा था क्रॉप टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आज हम स्लाइस टूल का इस्तेमाल करने देखेंगे किस तरीके से हम लोग स्लाइस टूल का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक इमेज चाहिए जिस इमेज पे हम लोग काम करेंगे। आपने देखा होगा रोड पे बहुत बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, तो आप लोग यही सोचते होंगे कि यार ये इसका जो है प्रिंट किस तरीके से निकाला जाता है। इसका प्रिंट ऐसे नहीं निकाला जाता, एक ही प्रिंट से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती भी नहीं है कहीं, तो उनको जो है टुकड़ों में बांट कर अलग अलग करके उनका प्रिंट निकाला जाता है। अब उनको टुकड़ों में बांटने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उस टूल का नाम है स्लाइस टूल। शुरू में जब मुझे इस टूल का पता नहीं था, मैं सोचता था ये टूल पता नहीं कैसा अजीब सा टूल है, इसका क्या काम होगा, लेकिन जब इसके बारे में मैंने सीखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस टूल की बहुत आसान टूल है और हम लोग इसको इतना मुश्किल समझते थे कि ये बहुत ही मुश्किल टूल होगा। तो चलें जी, अब देखते हैं कि इस टूल का हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से हम आएंगे क्रॉप टूल के नीचे, ये तीसरे नंबर पर स्लाइस टूल। स्लाइस टूल हम लोग इसको जो है 4 टुकड़ों में बांट देंगे, ताकि 4 भी कर सकते हैं 8 भी 12 भी जितने चाहे आप टुकड़ों में बांट कर उसको मेल कर सकते हैं, या जैसे आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं USB में डाल के या SD कार्ड में डालकर, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से उसको आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग मिसाल के तौर पर इसके हम लोग 4 हिस्से करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे, ये देखें, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको भी यूं करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको यूं। बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल टूल नहीं है ये, कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है, ये आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। और ये क्रिएटिव कॉमन में इमेजेस यूज़ करता हूँ जो कि जिन पर कॉपीराइट नहीं होता। अच्छा जी, ये हमने 4 हिस्सों में इसको हमने बांट लिया है। अगर अब हम चाहते हैं कि इसको हम अब अगर हम चाहते हैं कि इसका साइज हम अगर ऊपर नीचे करें, तो इससे जो नीचे वाला टूल है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट साइज मिसाल स्लाइस सिलेक्ट टूल। इसको हम यहाँ से लाएंगे और इसको जहाँ पे भी हम रखेंगे देखें ये वहीं से शुरू हो जाता है, यानी कि इसको कहीं भी आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इससे जो आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस टूल से। बहुत ही अच्छा टूल है और इसका इस्तेमाल आप खुद देख सकते हैं कितने काम की चीज़ है ये। अच्छा, इसमें आप लोग ये चीज़ देखें, इस पर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये इसी तरीके से कटिंग होगी और ये एक फोल्डर में जाकर ये एक सारी जमा हो जाएंगी, वहाँ से आप उस फोल्डर को उठा के किसी को भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे टूल है ये। अगर जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई बड़ी पिक्चर दे देता है, उसको कहता है कि भाई मुझे ये आप फोल्डर में डाल के दें, कट करके दें, जैसे भी ये सारी पिक्चर को जोड़कर एक प्रिंट निकाला जाएगा। अच्छा, इसको हम सेव किस तरीके से करेंगे वो देखें, फाइल में जाएं और सेव फॉर वेब,
इसमें आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पे सीधा सीधा आपने कुछ करना नहीं है, ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है, और बाद में इसकी एक क्लास ले लेंगे कि क्या है क्या नहीं। अभी फिलहाल इसको सिर्फ सेव करेंगे हम, सेव जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास पूछेगा कि कहाँ पर आपने सेव करना है। मैं इसको हटा लेता हूँ थोड़ा। अच्छा, ये पूछ रहा है कि सेव कौन सी जगह पर करना है, हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो सेव का ऑप्शन करेंगे, बस सिंपली सेव हो जाएगी ये खुद ही देखें सेव हो गई। अब हम मिनिमाइज करके इसको देखते हैं कि सेव हुई या नहीं। ये देखें, हम इमेजेस में जाएंगे, ये देखें 1 2 3 4 ये सेव हो गई है यहाँ पर। यहाँ से हम क्लिक करते हैं इसको, ये देखें ये 1 इमेज यहाँ तक हो गई, ये 2 इमेज सही है, ये 3 इमेज। इन चारों इमेजेस को वो जमा, अलग प्रिंट अलग अलग ही निकलेगा, और उसको फिर जब जहां पर भी लगाना होगा तो वो उसको यानी चारों को जोड़कर एक तरफ लगा देगा। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और ऐसे ही आप सीखते रहें और लोगों को भी सिखाते रहें। खुद नहीं बना सकते हैं अगर YouTube पर वीडियो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।